हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है चैप्टर 1 गुलाम कालीगंज तथा वैद्युत क्षेत्र क्लास 12 आंकिक प्रश्न पार्ट 2। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9E एवं प्लस एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो कह रहा है दो आवेश है, एक प्लस 9E है। तो ये मान लीजिए ये आवेश है प्लस 9E और एक आवेश है, मान लीजिए यहाँ पर है एक प्लस E। कह रहा है इसी के बीच किसी आवेश को कहाँ रखा जाए। तो ये हो गया आपका लाइन। इनके ये परस्पर 16 सेंटीमीटर के दूरी पर हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 16 सेंटीमीटर। कारण इनके बीच किसी आवेश Q को, मान लो कि कोई आवेश Q है, कहाँ रखें कि इसकी संतुलन में रहे। संतुलन में मतलब क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में प्लस 9E के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इसके कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इसी के बीच अगर इसको हम रख दें तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। कह रहा है इसको कहाँ रखें कि संतुलन में हो। संतुलन में होने का मतलब कि इसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसके द्वारा इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा समान हो। तो मान लीजिए अब इतना तो हम समझ ही रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, ये चार्ज अधिक है इससे, ये प्लस 9E है, यहाँ कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 है, ये प्लस 1E है, तो ये इसे ज्यादा इधर रिपेल कर देगा इसकी अपेक्षा। कहने का मतलब हमें इधर ही रखना होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ रख दिया गया आवेश Q को। अब ये मान लीजिए कि 9E से दूरी x है, x सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से जो है प्लस 1E से दूरी कितनी होगी, टोटल 16 है और ये x है, तो जाएगा 16 माइनस x, कितना हो जाएगा 16 माइनस x सेंटीमीटर। तो मान लीजिए माना आवेश को प्लस 9E से x सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्लस E से दूरी कितनी होगी, दूरी 16 माइनस एक्स होगी, 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर होगी। चूंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इसको अगर इधर हम इतना एक्स मान लिए तो यहाँ से इतना कितना होगा, इस 16 में से इस एक्स को घटा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखिए इसलिए अब जब संतुलन में होगी तो दोनों तरफ से इधर का जो फोर्स ये इधर अप्लाई करेगा और ये जो इधर अप्लाई करेगा इक्वल होगा। ऐसे स्थिति में क्या होगा, Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर होगा Q2 अपान R2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है निकालने का, ठीक। तो अब इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा प्लस 9E अपान R1 स्क्वायर, तो R1 का मान x मान लिए तो x का स्क्वायर, R का मतलब डिस्टेंस। इसके बाद में Q2, तो Q2 का क्या है, मान लिया गया है प्लस 1 प्लस E है, R स्क्वायर, R का मान कितना है 16 माइनस x, तो 16 माइनस x का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 9E इंटू 16 माइनस
16 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e, तो ये e से ये e क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 9 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो टोटल का स्क्वायर कर दिया हमने इज इक्वल टू x स्क्वायर। जब घातांकों का हम तुलना करेंगे तो क्या होगा, इसका भी 2 है इसका भी 2 है, तो घातांकों की तुलना से इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2, मतलब ये इसके घातांक समान है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, मिलेगा 3 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा इज इक्वल टू हमें मिलेगा एक्स। अब हम इसे बड़े ही आराम से लगा सकते हैं, अब ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3 और 16 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस एक्स बाई 3 और 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस एक्स बाई 3 और 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x बाई 3 और बाई 1 मल्टीप्लाई कर देंगे जब तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 16 इंटू 3 बाई 4 4 जा 16 और x इक्वल टू मिलेगा 4 जा 16 4 इंटू 3 और x इक्वल टू मिलेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसलिए आवेश q को धन 9e से प्लस 9e से, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर दूर, 12 है ना ये, से 12 सेंटीमीटर दूर तथा धन ई से क्या है, 16 में से एक्स घटेगा यानी 12 माने 4 प्लस ई से 4 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। आने का मतलब है कि जो मेरा प्लस 9 ही है, इस प्लस 9 ही से 12 यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूर और यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पर जब इस क्यूब आवेश को रखेंगे तो यहाँ एक ही अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। देखिए ये कोई मान लो ये कोई चार्ज है, ये चार्ज मान लेते हैं Q है, इस चार्ज पर चार्ज का मान कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 कूलम, इस पर कोई 2.25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है ठीक है ना, इस पर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 2.25 न्यूटन फोर्स इस आवेश पर लग रहा है, और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की जो आवेश है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 है, सॉरी इसको हमने 14 ले लिया था 4 है। अब कह रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, आप जानते हैं
जब किसी आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो उस पर बल काम करता है। और वह जो बल काम करता है वो बल कितना है, ये जो बल है 2.25 न्यूटन है, और आवेश जो है, ये आवेश जिस पर फोर्स लग रहा है 2.25 न्यूटन, 5×10⁻⁴ है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू निकालना है। बड़ा ही आसान है, आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला आपका है, फार्मूला क्या है, फार्मूला है E=, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=, होता है F/Q होता है ना, तो E यही हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, F का वैल्यू दिया है 2.25 अपान क्यू का मान दिया है 5×10⁻⁴। अब देखिए इसका जब इसमें हम डिवाइड ये नीचे से ऊपर ले जाइए, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। अब आप ये पढ़ते आए हैं, इफ 1/A^-m है, ये इसको जब प्लस बनाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 2.25×10⁻⁴ है, ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा अपान 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इस डेसिमल को गायब कर देंगे, डेसिमल को गायब करें या 2.25 में हम डिवाइड कर देंगे 5 का। अब देखिए 5 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है 5 से। तो जब हम यहाँ दो अंक लेंगे, तो जब दो अंक ले लेंगे तो यहाँ पर बीच में डेसिमल आएगा, तो इस वजह से यहाँ डेसिमल लग गया। अब 5×4 जा हो गया 20, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2×5 आया। फिर 5 का मल्टीप्लाई 5×5 जा 25, तो ये हमें मिला कितना, ये हमें मिला जब हमने इसमें 5 का डिवाइड किया तो मिला 0.45×10⁴। अब हम आप जानते हैं जब न्यूमेरिकल लगाते हैं फिजिक्स में तो करते क्या, इसको मानक रूप में लिखेंगे, तो एक अंक दशमलव के पहले बाकी अंक दशमलव के बाद, तो इस 4 को हम पहले रख देंगे तो हो जाएगा 4। तो जब यहाँ ये 4 डेसिमल के बाहर आएगा तो यहाँ से एक जीरो घट जाएगा, तो हो गया 4.5×10⁻³। अब हमें इसका मात्रक लिखना है, तो बल का मात्रक क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से हम यूनिट निकाल दे रहे हैं, ये फोर्स है, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ये हो गया न्यूटन। फिर ये हो गया पर, नीचे क्या आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम, तो ये हो गया कूलम, न्यूटन पर कूलम। चलिए आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद अब हम नेक्स्ट को फिर वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज का। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।